देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए। आई थिंक दिस इज अ गुड मीटिंग, दिस इज अ फ्रूटफुल मीटिंग एंड इट्स अ कंस्ट्रक्टिव डिसीजन टू बी टेकन ऑन द एजेंडा इज वेरी फ्रूटफुल। मैं ये कहता हूँ कि देश की दो तिहाई जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता के खिलाफ है। जो जहर की बातें जो है, जो नागपुर से चलती है, उसकी बात की जा रही है, इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक हो रही है बेंगलुरु में और तमाम जितने गैर भाजपाई दलों के नेता हैं वे भी बेंगलुरु पहुंचे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हों या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, ये तमाम नेता जो हैं वो पहुँच चुके हैं बेंगलुरु और मीटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, बड़े नेताओं की मीटिंग शुरू हो चुकी है, तमाम जितने प्रमुख नेता हैं गैर भाजपाई दलों के, उन सभी को साथ लाने की तैयारी है। मिशन 2024 की जब बात हो रही है, तैयारी हो रही है, तो ऐसे में अब तमाम नेताओं को एक साथ लाकर कैसे 2024 में जीत हासिल की जाए, कैसे बीजेपी को मात दी जाए, कैसे नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारा जाए, इसको लेकर अब रणनीतियां बन रही हैं। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा होगा, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाएंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। अब ऐसे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, ममता बनर्जी भी पहुँची हैं, अरविंद केजरीवाल भी पहुँचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असली मुद्दे हैं इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नागपुर से चलती हैं, उसकी बात की जा रही है, इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड मीटिंग, दिस इज अ फ्रूटफुल मीटिंग एंड इट्स अ कंस्ट्रक्टिव डिसीजन टू बी टेकन ऑन द एजेंडा इज वेरी फ्रूटफुल, लेट अस डिस्कस इट एंड इफ द आउटकम इज कम आउटकम टुडे व्हाट वी डिस्कस आफ्टर दैट द आउटकम मे बी द गुड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि देश की दो तिहाई जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता के खिलाफ है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक हैं। तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, सभी ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे नेताओं का जमघट बढ़ता है, क्योंकि 26 विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुकी हैं बेंगलुरु और बैठक शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, महबूबा मुफ्ती सहित तमाम जितने नेता हैं वो पहुँच चुके हैं बेंगलुरु और बड़ी बैठक जो है शुरू हो चुकी है। देखना है बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, क्या वे संयोजक बनाए जाएंगे, इस बात को लेकर पहले से चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंच चुके हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह साथ में मौजूद हैं, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा मौजूद हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, लालू प्रसाद ने भी हुंकार भरी है, वो वीडियो भी हमने आपको लाइव स्ट्रीम पर दिखाया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह खूब हमला बोला है विपक्षी नेताओं पर, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं विस्तार से लाइव स्ट्रीम पर जाकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।